प्यारे बच्चों कैसे हैं? आशा है आप घर पे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। समीकरण पिछले 3 भाग आपने समीकरण के बहुत अच्छे से किए हैं। भाग 4 के अंदर कुछ और समीकरण लेंगे। पहले हमने सीधा जोड़ घटा गुणा भाग से चर को हल करना सीखा, उसके बाद दो दो संक्रियाओं को लेके हल करना सीखा, उसके बाद फिर दोनों पक्षों में यदि चर हो तो उसको कैसे हल करें उसको सीखा। अब हम सीखेंगे चरों को या समीकरणों को सरलतम रूप में कैसे लाया जाए, और हल करना तो आपको उसके बाद आता ही है। अब सरल रूपों में का मतलब क्या है पहले वो समझें कि मेरे पास प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है। अब ये कुछ अटपटा सा है कि कुछ संख्याएं मैंने प्रमेय संख्या के साथ चर और संख्याओं में भी ले ली। अब प्रमेय संख्याओं के साथ यदि ये चीज हो तो हम उसको हल कैसे करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे उलझ भी जाते हैं। हमें करना कैसे है वो देखें। सबसे पहले तो हम हर जितने भी हर हैं उनको देख लें। हर हमारे पास 5, 2 और 10 है। 5, 2 और 10, 2, 5 और 10, इनका हम एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो उसे यदि मैं चलूंगा, अब 5 से 1 1 आ गया, तो इन दोनों में गुणा 5 दूनी 10 आ गया मेरे पास आंसर। तो मैं पूरे समीकरण में जितने भी पद हैं पक्षों में हर पद को 10 से गुणा करूंगा, क्योंकि मेरा लघुत्तम 10 आया है। यदि इसको वो नहीं निकालना आता हो सकता है एक बच्चा हमें ऐसा मिल भी जाए तो वो सीख ले, और नहीं सीखा जाए मतलब अब शुरू में यदि प्रॉब्लम आए तो हम देख ले 5 के 2 के और 10 के पहाड़े में कौन सा अंक है जो सबसे पहले आ रहा है। 5, 2 और 10 में 5 के पहाड़े में 10 भी आता है, 2 के पहाड़े में भी 10 आता है, 10 के पहाड़े में तो 10 आता ही है, तो वो भी 10 ही बनेगा जो सबसे पहले आता है। अब मैं हर पद को 10 से गुना करूंगा, सिर्फ ऊपर ये ध्यान रखें, इसके अंदर हर पद को मैंने 10 से गुना किया है। अब 10 से गुना करने के बाद ये यहां पे कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 10 एकम 10, 10 एकम 10, और आगे कुछ करने की जरूरत है नहीं है। अब गुणा करके लिखें, 2 की x के साथ क्या हो गया, 2x जमा 5 एकम 5, इधर 3 एकम 3 जमा, और ये हो गया 10x। देखो सरलतम रूप में आ गया। जिस प्रकार हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये दोनों पक्षों में चरों को हल करना सिखाया था, वही समीकरण मेरे पास बन के आ गया। अब उसी प्रकार आगे हल करेंगे। पहले चर चर देखेंगे, ये 2x है, ये 10x है, बीच में समता का निशान है। पहले 2x इधर, उधर से 10x जोड़ का है तो घटा का हो गया इधर आके, और ये 3 इधर था, 5 उधर जाके फिर घटा का हो गया। अब 2 से 2x में से 10x गए, घटा का 8x बच गया मेरे पास, और 3 में से 5 गए -2, और यहां से यदि x का मान निकाल लूंगा -2 और -8, यहाँ 2 एकम 2, 2 चौके 8, x बराबर कितना हो गया, ऊपर 1 नीचे 4, और 2 माइनस के निशान है, 2 नेगेटिव निशान है, तो क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार हम पहले करते थे। और देखें एक और प्रश्न, आप देखिए कि हमारे पास से जो हर है वो 2, 3, 3, 2 यही है, 3 और 2 के पहाड़े में वो अंक देखिए जो सबसे पहले आता है, क्या आता है, 6। बिल्कुल सही कहा, 6 6। हम हर किसी के साथ 6 से गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, करें, अब ये कट जाएगा बिल्कुल, 2 एकम 2, 2 तीय 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 तीय 6। अब उसके पहाड़े में होगा तो उससे पूरा पूरा भाग हो ही जाएगा, इसलिए हम सीधा भाग ही कर रहे हैं। अब गुणा करके लिखें क्या हो गया, 3y घटा 2 एकम 2, यहाँ 2y और यहाँ घटा 3 बजे 15। अब वाई वाई मेरे एक पास ले लेते हैं हम, ये 3y था, उधर से 2y उठा के लिए आएंगे, घटा का 2y हो गया हमारे पास, ये घटा का 15 था, घटे के 2 को उधर ले जाएंगे, जोड़ का 2 हो गया। अब 3y में से 2y गए, 1y जोड़ का बच गया, और -15 और जोड़ का 3, -13 हमारे पास इसका आंसर आ गया, -13। अब यहाँ पे कुछ था ही नहीं भाग में या गुणा में ले जाने के लिए उस तरफ, तो y = -13, y = -13 इसका आंसर आ गया है। बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं हम इसको। अब इस प्रकार के प्रश्न भी मेरे पास हो सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में हम देखें कि हर हमारे पास 2 और 5 है, 2 और 5 में यदि हम देखें सबसे पहली संख्या कौन सी आती है, वो 10 आती है, तो मैं इसको 10 से गुना करूंगा हर चर को, सॉरी हर पद को,
गुणा के निशान में आप आगे ले ले पीछे ले ले, लेकिन पद के साथ एक एक पद अलग अलग होना चाहिए। दो एक दो, दो पद दस, ऐसा नहीं है तीन को और एक्स का अलग अलग लेना, तीन एक्स ये एक ही पद है, तो इसके साथ इकट्ठा है पांच एक पांच, पांच दो दस, ये तो करने की जरूरत नहीं है। दो एक दो, दो पंजे दस। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, पांच के एक्स के साथ गुणा पांच एक्स जमा तीन एक्स की दो, पहले तीन की दो के साथ, तीन दुनी छह एक्स, माइनस का निशान है दस एकम दस, इधर गुणा करेंगे दस दिए तीस एक्स, और इधर से तीन बजे पंद्रह है। अब एक्स एक्स वाला एक साइड ले लें, ये मेरे पास आ गया पांच एक्स जमा छह एक्स, ये तो इधर ही थे दोनों के, ऐसे कैसे आ गए, और घटा का क्या गया तीस एक्स उधर से आया है, हमारे पास इधर पंद्रह था और दस उधर जाके जोड़ का हो गया है। अब ये छह पांच ग्यारह एक्स जोड़ के और घटा के तीस एक्स, तो मेरे पास घटा के नेगेटिव के उन्नीस एक्स बच गए, पंद्रह और दस कितना हो गया पच्चीस, और यहां से एक्स का मान मैं कैसे निकाल सकता हूं, पच्चीस बटे नेगेटिव नाइनटीन, किसी एक संख्या पे कट नहीं रहे हैं तो ये इसका आंसर हो गया। हम इसको बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न भी हमारे पास आएंगे, और हमारे पास किस प्रकार के प्रश्न आएंगे ये चीज ध्यान में। अब इस प्रकार के प्रश्नों के लिए हमें थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा कि हमारे पास जो हर है उसके ऊपर वाली पूरी संख्या को हम एक ही पद मान लेंगे, यदि वो जोड़ घटा में अलग से है तो उसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे, पहले ही उसको ब्रैकेट में ले लेना पहले ही, फिर वही करना है हमें हर वाला, हर तीन चार और दो, तीन चार और दो के पहाड़े में सबसे पहला अंक हमारे पास क्या आता है बारह, बिल्कुल सही कहा, तो हम इसको बारह से गुणा करेंगे। अब ये एक ही संख्या है, इसको ध्यान में रखना, तीन एकम तीन, तीन चौके बारह है, चार एकम चार, चार तीन बारह है, चार एकम चार, चार तीन बारह, दो एकम दो, दो छके बारह है, गुणा करो हो गया, बाकी दो कट गया नीचे वाला, तो चार वाई के साथ चार वाई। अब यहां देखें ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है, जैसे हमने पीछे बताया था ब्रैकेट के बाहर यदि नेगेटिव निशान है तो अंदर वाले निशान बदल जाएंगे, ये वाई प्लस का है तो ये नेगेटिव होगा, और इसकी तीन के साथ भी गुणा में है, ये देखो तीन वाई, और ये घटा वाला पॉजिटिव है हो जाएगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तीन की इसके साथ भी गुणा में है तीन, क्योंकि ये तीन जो बचा है इस ब्रैकेट वाली दोनों संख्या इसके अंदर जितनी भी संख्या है सबके साथ अलग अलग गुणा में है, अलग अलग गुणा में हमने ले लिया। अब तीतिये नौ जमा, अब बाहर जमा का निशान था तो अंदर वाला निशान बदलने की हमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बदलेंगे भी नहीं, वो सिर्फ नेगेटिव साइन बाहर होगा तभी बदलेंगे। तो छह के साथ एक बार दो वाई की गुणा, छह के साथ एक बार एक की, छह दुनी बारह वाई, और घटा का छह कम छह, अब वाई वाई एक साइड करें, इधर चार वाई माइनस का तीन वाई, और उधर से बारह वाई माइनस का आ गया, इधर मेरे पास नौ था घटा का छह, और तीन जोड़ का उधर जाके फिर घटा का हो गया। अब यहां से घटा वाले मेरे पास ये दो हैं और जोड़ वाला एक है, घटा के मेरे पास बारह और तीन पंद्रह, जोड़ का एक, तो नेगेटिव ग्यारह मेरे पास वाई बच गए, इधर जोड़ का नौ और घटा के भी नौ, छह और तीन नौ, नौ में से नौ गए शून्य, और वाई बराबर यहां पे क्या आ गया शून्य बटे माइनस का ग्यारह, और शून्य को किसी भी संख्या से भाग दे आंसर क्या आएगा शून्य ही आएगा, तो वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे शून्य बच गया जीरो। फिर वही जैसा कि मैंने कहा था कि यदि पद के ऊपर यदि दो संख्याएं आती हैं तो उनको हम किस में ले लेंगे, पहले ब्रैकेट में ही लिख लेंगे। उसके बाद तीन और चार के पहाड़े में कौन सा अंक है जो सबसे पहले आता है, अभी पिछले सवाल में हमारे पास आया था, हम बदल के भी ले सकते हैं लेकिन वो आपके पास जो प्रश्न आएगा उसके अनुसार ही आप बदल लेना। बारह आता है गुणा में बारह, गुणा में बारह, गुणा में बारह, तीन एम तीन, तीन चौके बारह, चार एकम चार, चार दिए बारह, तीन तीन, तीन चौके बारह। अब इसके बाहर नेगेटिव निशान नहीं है तो हम सीधे गुणा कर देंगे, चार के दो एम के साथ आठ एम, चार दुनिया आठ है, माइनस चार के एक के साथ चार एकम चार, यहां बाहर माइनस का निशान हो गया तो अंदर वाले निशान बदल जाएंगे, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, तीन दिए नौ एम, और माइनस वाला प्लस का तीन एकम तीन, जब इधर से करेंगे गुणा करें चार दुणे, देखो चार दुणे आठ एम, माइनस चार दिए बारह, क्योंकि बाहर नेगेटिव निशान नहीं था इसलिए इसके निशान नहीं बदले हैं, तो यह आ गया बारह दुणे चौबीस। अब एम एम एक साइड लें, आठ एम घटा का नौ एम, ये है एमएम वाले ध्यान से देखें, और इधर का आठ एम आएगा, ये घटा का आठ एम इधर हो जाएगा, हमारे पास उधर पहले क्या था घटा के बारह और जोड़ के चौबीस, अब चार को उधर ले जाएंगे चार जोड़ का हो जाएगा, तीन को ले जाएंगे तीन घटा का हो जाएगा। अब यहाँ पे घटा वाले कितने हो गए आठ और नौ सत्रह, और जोड़ वाले आठ है तो घटा का नौ एम ज्यादा है इसमें,
अब यहाँ जोड़ वाले ये दोनों हैं, 24 28 और घटा वाले 15 28 में से 15 गए 13 है, तो एम बराबर यहाँ क्या बच गया 13/1 घटा का 9 उधर आ गया, बाद में आ गया। तो इस प्रकार के प्रश्नों में थोड़ा सा ध्यान देना है तो आपको बड़ी आसानी से ये सरल समीकरण बना के तो इसको हल किया जा सकता है। आशा है आपको ये समझ में आए होंगे। अब ये प्रश्न करके अपने अध्यापकों को दिखाइए।